पार्ट का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 हॉरर मूवीज ऑल टाइम बेस्ट हिंदी इंग्लिश पार्ट 1। इन मूवीज में बहुत ज्यादा खून खराबा, इवल्स, डेमोन्स और बहुत से अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये काउंटडाउन। नंबर 10 पर है हॉरर ड्रामा 2022 की मैन। इसे रेटिंग्स मिले हैं 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। जब हार्पर मेंटल इश्यू से परेशान होकर एक गांव में आती है, वहां पर इसकी लाइफ बदतर से बदतर हो जाती है। मूवी का फर्स्ट हाफ स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, पर सेकंड हाफ 440 वोल्ट के झटके देता है। एक्टर्स की एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, पर ये मूवी हर किसी को हजम नहीं होगी। अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप इसे एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। आप इसे Amazon Prime पर हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है हॉरर स्लैशर 2021 की फियर स्ट्रीट। इसे रेटिंग्स मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। मूवी 90s के दौर में सेट है। एक इवल फोर्स टाउन को चारों तरफ से घेर लेती है और लोग एक एक करके बनने लगते हैं। मूवी में बहुत ज्यादा ब्रूटल और इंटेंस किलिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। कुछ किसिंग सीन्स और बोल्ड लैंग्वेज की वजह से ये 18+ है। ये एक ट्रायोलॉजी सीरीज है जिसमें आपको टोटल 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। आप इन्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी में इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है हॉरर थ्रिलर 2013 की वुल्फ क्रीक 2। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब होते हैं और ये मूवी एक्चुअल इवेंट्स पर बेस्ड है। एक इंग्लिश टूरिस्ट हाईवे से गुजरते वक्त एक साइको के चंगुल में फंस जाता है। वुल्फ क्रीक ऐसा रेगिस्तान जो अच्छे अच्छों को निगल लेता है। ऐसे में यहाँ पर सरवाइव करना और अपनी जिंदगी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मूवी को एक्टिंग, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन के लिए बहुत से अवार्ड्स मिले। इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं और थर्ड पार्ट भी जल्द ही देखने को मिलेगा। नंबर 7 पर है हॉरर थ्रिलर 2001 की जीपर्स क्रीपर। इसे रेटिंग्स मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। छुट्टियों में घर जाते वक्त दो बहन भाइयों की जर्नी एक नाइटमेयर में बदल जाती है। ऐसा आदमखोर क्रिएचर जो बॉडी के पार्ट्स निकाल लेता है। एक्टर्स की एक्टिंग और इस क्रीपर का खौफ इतना थ्रिल पैदा करता है कि आपके रोंगटे खड़े कर दे। इस फिल्म सीरीज के टोटल 4 पार्ट्स हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट ही अच्छा लगा। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जरूर कोई जबरदस्त हॉरर फिल्म बनी है। नंबर 6 पर है हॉरर थ्रिलर 2022 की एक्स। इसे रेटिंग्स मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। कुछ फिल्म मेकर्स अडल्ट शूटिंग करने के लिए एक फार्म पर आते हैं। अचानक से इस ग्रुप की जिंदगी और मौत का सफर शुरू हो जाता है। सिनेमेटोग्राफी और एक्टर्स की एक्टिंग क्लासिक स्लैशर मूवी वाली फीलिंग देती है। मूवी में बहुत ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। अगर आप दिल से कमजोर हैं तो इस मूवी से दूर रहिए। आप इसे Amazon Prime पर हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर है हॉरर थ्रिलर 2017 की हैप्पी डेथ डे। इसे रेटिंग्स मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। जब एक कॉलेज स्टूडेंट लूप में फंस जाती है और ऐसे दिन को जिंदा करना चाहती है जो ऑलरेडी ही गुजर चुका है। बार बार सीन्स रिपीट होने के बाद डर तो खत्म होता है, पर सर दर्द भी होने लगता है। दूसरी तरफ एक्टर्स की एक्टिंग और कहानी के पीछे छुपी ये मिस्ट्री आपको मूवी से दोबारा कनेक्ट करती है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है हॉरर थ्रिलर 2019 की अस। इसे रेटिंग्स मिले हैं 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। जब एक फैमिली वेकेशन के लिए अपने पुराने घर वापस आती है तो अजीबोगरीब सी ड्रेसिंग वाली एक फैमिली इन पर अटैक कर देती है। मूवी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जो आपको मूवी से पूरी तरह बांध के रखेंगे। सस्पेंस और थ्रिल को इस तरह बिल्ड किया गया है, आपको फील होगा आप कैरेक्टर्स के साथ उस सिचुएशन में मौजूद हैं। आप इसे अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है हॉरर थ्रिलर 2019 की मिडसमर। इसे रेटिंग्स मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। एक यंग वूमेन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए एक ऐसे फेस्टिवल में आती है जहां पर कुछ भी ह्यूमन टाइप नहीं।
अजीब सी जगह और अलग थलग सा ये कल्चर, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी है ये मूवी। इसकी पेस बहुत स्लो है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन अगर आप मूवी से कनेक्ट हुए तो रियलिटी को भूल जाएंगे। अगर आप हॉरर जॉनर पर कुछ हट के ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न प्राइम पर हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर दो पर है हॉरर थ्रिलर 2005 की दी डिसेंट। इसे रेटिंग्स मिले हैं 7.2 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। जब कुछ फ्रेंड्स टूर के लिए केव में जाती हैं, तब वहां पर खून के प्यासे कुछ क्रिएचर्स इनका शिकार करते हैं। मूवी की सबसे खास बात, शुरू से ही आपके अंदर डर का माहौल पैदा करती है, जो धीरे धीरे करके आपके अंदर बैठ जाएगा। अगर अब तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो ये 1 आवर 30 मिनट की लेंथ के साथ Amazon Prime पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर एक पर है हॉरर थ्रिलर 2018 की हेरेडिटेरी। इसे रेटिंग्स मिले हैं 7.3 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। एनी और इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन इसकी मां के मरने के बाद इनकी लाइफ पर इतना बुरा इंपैक्ट पड़ता है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। शुरू से ही पता चलता है इनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हर एक एक्टर की एक्टिंग लाजवाब है, यहाँ तक कि छोटी बच्ची चार्ली ग्राहम जब जब जो जो रिएक्शन देती है, अंदर से डर की फीलिंग आती है। 2 आवर 7 मिनट की लेंथ के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।